नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने लगा हूं कि भाई पैसा एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाएं। तो अगर आपको भी दोस्तों म्यूचुअल फंड में या फिर डिजिटल करेंसी में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको रेफर करके अर्निंग करना है भाई पैसा के थ्रू, तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखें। मैं इसमें भाई पैसा एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में एकदम सही तरीके से बताने लगा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं और घंटी बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई पैसा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर क्लिक कर देना है तो हमारे दोस्तों मोबाइल का ब्राउजर ओपन हो जाएगा और ऐसा पेज हमारे को देखने को मिलेगा। तो इस पेज को हमारे को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है और इधर में हमारे को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी हमारे को दोस्तों इधर डाल देना है। और ओटीपी इधर डाल देने के बाद नीचे हमारे को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों इधर में हमारे को वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इधर में हमारे को अपना ईमेल आईडी डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा वो हमारे को इधर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हमारा ईमेल आईडी जो वेरीफाई हो जाएगा। और अब हमारे को दोस्तों जो है इधर अपना पैन कार्ड का डिटेल डाल देना है, क्योंकि ये डीमैट अकाउंट बन रहा है भाई पैसा एप्लीकेशन पर। और भाई पैसा एप्लीकेशन दोस्तों एकदम सिक्योर और जेन्युइन एप्लीकेशन है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड भी, हमारा कोई भी डेटा है जो लीक नहीं करेगा। तो हमारे को अपना पैन कार्ड का नंबर है जो इधर डाल देना है और उसके बाद में हमारा नाम है जो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। और नीचे हमारे को अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और नीचे हमारे को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू विथ डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, नीचे वाले पर क्लिक करना है, स्किप कंटिन्यूज विथ द प्रोसेस। जैसे आप ब्लू कलर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर में आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर है जो डाल देना है और नीचे आईएफएससी कोड डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपका बैंक का डिटेल है जो दिखाई देगा तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और अब हमारा दोस्तों जो है पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इधर में हमारे को अपना जेंडर और सिंगल है या मैरिड वो आपको इधर सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद नीचे हमारे को फादर का नाम डाल देना है, पहले फर्स्ट नाम डाल देना है और फिर लास्ट नाम डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और अब हमारे सामने ऐसा पेज आता है तो इधर में हमारे को दोनों बॉक्स पर राइट का टिक लगा देना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे को अपना एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और नीचे आपको अपना पिन कोड भी डाल देना है और एरिया सेलेक्ट कर देना है और नीचे जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट के लिए हमारे को एक साइन चाहिए और एक सेल्फी की जरूरत है। और उसके बाद दोस्तों एक एड्रेस प्रूफ हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे को एक पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा। तो ये सब अपलोड करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा कि ऊपर जो है थ्री डॉट दिखाई दे रहा है ब्राउजर में, उस पर आपको क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको राइट का टिक लगा देना है तो डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। मतलब कि जैसे कंप्यूटर में साइट ओपन होती है वैसे हमारे मोबाइल में ओपन हो जाएगी। और उसके बाद में हमारे को ये सब डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर देना है, जैसे कि मैंने पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया है, फ्रंट साइड का हमारे को पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है और साइनर में हमारे को किसी भी कागज पर साइन कर लेना है और उसका फोटो खींच कर इधर जो है अपडेट कर देना है। और सेल्फी में हमारे को दोस्तों अपना एक सेल्फी ले लेना है और वो इधर अपलोड कर देना है। और एड्रेस प्रूफ में आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर देना है कि आप क्या दोगे, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपको पहले सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। मैंने जो अपना आधार कार्ड अपलोड किया है। और उसके बाद में हमारे को दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे सामने ई साइन का ऑप्शन मिल जाता है, इधर में हमारे को दोनों बॉक्स पर राइट का टिक लगा करने से ई साइन नाउ इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे को अपना आधार कार्ड का नंबर है इधर डाल देना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और ऊपर ये जो छोटे सा बॉक्स देखे इधर, इस पर आपको राइट का टिक जरूर लगा देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो हमारे को इधर ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, तो हमारा ओटीपी है जो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद में ये थोड़ा सा लोड होगा पेज और उसके बाद में कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ जाएगा, मतलब कि अब हमारा अकाउंट है जो सक्सेसफुली भाई पैसा पर बन चुका है। अब हमारे को दोस्तों प्ले स्टोर अपना मोबाइल का ओपन कर लेना है और इधर से भाई पैसा एप्लीकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये भाई पैसा का एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको हमारे को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है और कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद में इधर में हमारे को सिंपली है जो लॉग इन कर देना है और इसका दोस्तों होम पेज है जो ऐसा दिखेगा। इधर में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं इजिली। तो मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।